जालौन में 3 दिन पहले जमीन को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट व गोलीबारी हुई। इस खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल हुए, जिनमें से एक शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई। गांव में तनाव को देखते हुए पीएससी के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। बता दें कि पूरा मामला कुठोन थाना क्षेत्र के खेड़ा कनार गांव का है, जहां 3 दिन पहले जमीनी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में लाठी डंडों के साथ कई राउंड फायरिंग भी हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों के 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। डॉक्टरों ने 2 युवकों को गंभीर हालत होने से झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है। पुलिस अधीक्षक ने गांव में कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ साथ पीएससी को भी तैनात किया है। युवक के शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। नवभारत समाचार जालौन उत्तर प्रदेश से विक्की प्रजापति की रिपोर्ट। अभिलाषा, क्या हादसा हुआ दीदी, किस लिए आई? मुझे हमारे भैया की गोली मार दी विपक्ष के लोगों ने, छोटे भाई के यहाँ पे पेट में एक गोली गली थी जो आर पार हुई सीना, और जो बड़े वाले भाई की 2 गोली एक पैर में एक पेट में, सर में गुलारी लगी है उसके, और यहाँ से उरई से रेफर कर दिया था झांसी मेडिकल के लिए। यहाँ पे उपचार नहीं था, झांसी में 2 नैलाज चला, वहाँ पे जब हालत गंभीर आई तो उन्होंने दिल्ली के लिए रेफर किया था। दिल्ली लेके जा रहे थे, बीच में जब निकलते ही उसकी धड़कनें तेज होने लगी, उसमें डॉक्टर ने बचाने के कई उपाय किए, या सोचा ग्वालियर में दिखवा लें, लेकिन वहाँ दिल्ली ग्वालियर तक नहीं पहुँच पाया, उसकी मृत्यु हो गई। दीदी, किस चीज़ को लेके ये विवाद हुआ था? विवाद कुछ चीज़ को नहीं, वो जमीनी विवाद, वहाँ मुकदमा न्यायालय में चल रहा है, उससे कोई नहीं। लेकिन जी भैया हमारे खेत में थे दोनों, तो उन्हें अकेले समझ के 20-25 लोगों ने घेर लिया, घेर के इनके ऊपर बगीचे में घेर के गोलियां चलाई, लाठी डंडा भी चलाया। इसके हमारे पापा चाचा भी पहुंचे, उनको भी घायल कर दिया, इसके लोगों के अंगूठे में लगाए और गोलियां चला के जब जी समझ गए कि जी दोनों मृत्यु शासन पर से भाग गए, भाग निकले वहाँ से। अच्छा दीदी, एक एक युवक के गोली दोनों युवकों के लगी थी, जिसमें से एक आज खत्म हो गया है, दूसरा युवक की हालत क्या है? उसकी भी कुछ गंभीर है, यहाँ पर चोट है और एक गोली भी पैर में भी गोली, अकेले उसे कोई बता नहीं रहा है। उसका कहाँ इलाज चल रहा है? झांसी चल रहा है, झांसी मेडिकल में। आज आप यहाँ पर किस लिए आई? इसलिए छोटा भाई एक्सपायर हो गया इसकी। जी, थाना कुठोन क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है खेड़ा कनार, जिसमें आपस में गांव के ही लोग एक ज़मीन को लेकर मारपीट किए और आपस में ट्रैक्टर एक दूसरे से लड़ाए। इसके अलावा फायरिंग भी वहां पे हुई है और 2 लड़के इसमें घायल हुए थे, जिनको पुलिस ने तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया था, झांसी उनका इलाज हो रहा था। उसमें से एक लड़का आज अपनी इंजरी की वजह से कल ख़त्म हो गया है, आज उसका पोस्टमार्टम हुआ है। इसमें धारा 307 में मुकदमा दर्ज किया गया था, चूँकि पीड़ित जो है वो ख़त्म हो गए हैं तो धारा 302 में तरमीम करा जाएगा। अभियुक्तों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है, जो हथियार हैं जो घटना में प्रयुक्त हुए हैं उनकी रिकवरी की जा रही है। वर्तमान में अभी गांव में क्या है? अभी गांव में फोर्स लगा है, पीएसी लगा है, शांति व्यवस्था कायम है, अंतिम संस्कार के लिए तैयारी।